मैं इस वक्त रात का जो पीक टाइम है, इस वक्त रात के 12 बजे मैं इस वक्त मैनहट्टन में हूँ और आपको सिर्फ रात की रौनकें दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर रात को जो है कितनी लाइटिंग होती है। मैनहट्टन का मेन टाइम स्क्वायर, यहाँ पर जब भी आप आएंगे आपको रश मिलेगा। पब्लिक जो है अभी भी यहाँ मौजूद है। आज क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे की वजह से आज जो है वो छिछोरागिरी अलाउ है। ये मैनहट्टन का जो मेन एरिया है, देखिए आप, उस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। अभी आपको मैं टाइम्स का दिखाता हूँ, ये सारी की सारी दुकानें खुली हुई, तमाम शॉप्स जो है यहाँ की खुली रहती हैं। और आप यहाँ का रश चेक करें, रश जो है देखने से ताल्लुक रखता है, रश जो है यहाँ से देखने से ताल्लुक रखता है। जहाँ भी मेरी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी। और ये पब्लिक जो है, ये सुनिए समझे कि दुनिया भर के टूरिस्ट हैं जो कि यहाँ आते हैं अपने साल की छुट्टियाँ गुजारने, क्योंकि अभी फॉरेन जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दीगर कंट्रीज़ हैं, उनके स्कूल जो है वो सितंबर के महीने में खुलते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो पेरेंट्स जो है अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं। हमारी तो जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं, यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ छुट्टियां होती हैं। देखें आप यहाँ पर, आप रश देखें यहाँ पर, उस रश के मनाजिर आपको मैं अभी और दिखाता हूँ, और कवरेज करता हूँ। ये रात के वक्त का मैनहट्टन है। पब्लिक अभी तक मौजूद है और ये मौजूद रहेगी, सुबह भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पब्लिक मिलेगी। ये रात का न्यूयॉर्क, पब्लिक देख रहे हैं, यहाँ लोग सोते नहीं हैं, रज्जगा करते हैं। वैसे भी क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, इसी वजह से ये मैनहट्टन की जो रानाइयाँ हैं ना, ये हमेशा चमक दमक रहती हैं। यहाँ पर दुनिया भर से टूरिज्म आता है यहाँ पर और अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए इंजॉय करते हैं। इसी को देखते हुए लोग जो है रात के वक्त ये लोग बढ़ते जाएंगे और लोग आते जाएंगे। हम भी फैमिली के साथ आए हुए हैं भाई, कैसे नहीं आ गए आँख बंद करके कि ठीक है यार यहाँ पर कई तफरी सब भाई रात को जाग रहे होते हैं सब। पब्लिक देखें एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, अपने लाइफ को सही तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। उनको नींद नहीं आती रात को। मैन जो है ये मैनहट्टन का मेन एरिया ही है, टाइम स्क्वायर।
क्या कहते हैं आप टाइम स्क्वायर के बारे में? तो ये हर वक्त यहाँ रश ही होता है इस वक्त, कभी भी आप आएँ हैं आपको रश मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्या वजह? दुनिया भर से लोग आते हैं या ऐसे ही है? शॉप्स हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं सारे। मैंने तो ये जो फिफ्थ एवेन्यू है यहाँ पर, मैंने दुनिया भर के ब्रांड देखे और बड़ी बड़ी ब्रांड की जो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और उनको देख के आदमी इंसान में हुए हैरत हो जाता है, उसको हैरत हो जाती है कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड जो है, जो कि हमने कभी, जिनका बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ आते हैं वो यानी यहाँ आम मैं कॉमन पाकिस्तानी की हैसियत या अपने इलाके के अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो हमारी बाकी कंट्री में नहीं है, लेकिन चलो इधर है, लेकिन इट्स वेरी नाइस, अच्छी प्लेस है, लेकिन ये रश बहुत होता है, बहुत रश है। मतलब मेरे इसकी रश की वजह ये है कि आप अपनी गाड़ी में तो रात के वक्त अगर आते हैं तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि पार्किंग का बड़ा इशू आता है, तो लोग जो है ट्रेन की वजह से, लोग बसों की वजह से, क्योंकि 24 आवर्स जो है ट्रेन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसकी वजह से लोग जो है हर वक्त आते हैं। न्यूयॉर्क में है बस ट्रेन की फैसिलिटी 24 आवर्स, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं, बाकी सब बड़ा खामोश और बड़ा काम टाइप के एरियाज हैं। हमने तो काफ़ी सारी स्टेट का विजिट किया है, लेकिन न्यूयॉर्क हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। क्योंकि हमारा जो प्यारा बेटा है उसकी अपनी पैदाइश की स्टेट है, वो इसी स्टेट में पैदा हुआ, लिहाजा इस स्टेट में मैं ज़्यादा लगा हो गया आपको, हो गया मेरा लगाव। चलें बहरहाल जो भी है एंजॉय करें सब मिलके। हमारी बहन जो है वो शहरी लंदन से आई हुई है, लंदन मैन सिटी में रहती हैं, और कैसा महसूस करें आप न्यूयॉर्क में आके, आपको कैसा लगा? मतलब ये कि इस वक्त रात के तकरीबन आप समझ लें कि 1:30 से 2 बज रहे हैं, क्या बज रहा है टाइम? 12 बजने वाले हैं, चले ये 12 बजने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? कितनी जगह देख लिया आपने न्यूयॉर्क में? 85% ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन ये कि आपने अभी भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, जब आप देखें एक नई चीज़ आ जाएगी। और आज भी हमने जो स्पेशल म्यूजियम था वो आर्ट्स का म्यूजियम, मेट्रोपोलिटन आर्ट्स म्यूजियम जो था उसको किया, और इसके अलावा जो है क्वीन लाइब्रेरी है, इसके अलावा बहुत हैं बीचेस तो अभी तक हमने पब्लिक लाइब्रेरी बहुत हैं, और अभी इतनी जगह 85% अगर देख लिया तो 85% और आपसे आपको देखने के लिए देख सकते, तो अभी देखेंगे। बट सबसे ज़्यादा खुशी है टू सी माय फैमिली, दैट वाज मोर देन सीइंग यू। इस वक्त रात का वक्त है, रात के पहर में जो रश भी है पब्लिक की, हाँ चले एंजॉय करें। थैंक यू गाइस, आई आपको एंजॉय करा देखें, ये जत्थे के जत्थे लोग यहाँ रहे और ये सारे के सारे जो ना ये रेड स्क्वायर से आ रहे हैं। अभी रेड स्क्वायर भी आपको लेके चलते हैं, रेड स्क्वायर भी आप देखें, वहाँ पर भी इसी तरह का रश होगा, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और अपनी महफिलों को एंजॉय कर रहे हैं। मैनहट्टन मैंने आपको रात का जो व्लॉग है वो मैं दिखा रहा हूँ, सामने एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी रेड स्क्वायर, रेड जो है रेड स्टेयर्स के पास है, लाल सीढ़ियाँ, ये लाल सीढ़ियों के पास है, वहाँ म्यूजिक भी चल रहा है, सब चल रहा है, पब्लिक भी जमा है, अभी दिखाते हैं आपको। हाय गाइस, इस वक्त रात के तकरीबन
12:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त मैनहट्टन पे हूँ, मैं मेन टाइम स्क्वायर पर, और इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। और आप जो है इस वक्त रश जो है बरकरार है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये जो टाइम स्क्वायर है इन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में, ये तकरीबन आप समझें कि 45-47 स्ट्रीट जो है ये इसमें कवर होती है, यानी कि स्ट्रीट नंबर 45, 46, 47 ये जो है इसको कवर करती है टाइम स्क्वायर। और ये टाइम स्क्वायर जो है ये बड़ी मशहूर जगह है यहाँ पर न्यूयॉर्क में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो 7th Avenue है इसकी जो मेन है, और वेल नाउन जी TKTS रिड्यूस क्लास टिकट वगैरह। इसमें ये एक फादर थे, फादर फ्रांसिस डी डेफी, ये उनके नाम से मशहूर था पहले, और इसकी उसका स्टैचूज भी यहाँ पर है। बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ है 1880 सेंचुरी में। टाइम स्क्वायर जो है इसके नाम से मशहूर था, और नेम आफ्टर कैरिज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन के नाम से। तो ये 1880 में इसका नाम जो है टाइम स्क्वायर पड़ा, और इसी वजह से मशहूर है। और इसकी और भी तारीख है जो मैंने यहाँ से रिसर्च कर ली है। और ये जो टाइम स्क्वायर है, पहले ये फादर डेफी के नाम से ये कहलाता था, बाद में इसका नाम जो है टाइम स्क्वायर पड़ा। इस वक्त तकरीबन रात के 1:30 बजे हैं, और मैं इस वक्त तक मैनहट्टन में हूँ, ये रेड स्टेयर्स के पास, यहाँ पर अभी तक जो है आप देखिए अभी तक रश है, लोग यहाँ मौजूद हैं काफ़ी तादाद में, अब तो भाई थक गए। अब थक हार के जो है हमारी कोशिश है कि अपने घर की तरफ जाएं, और अगले प्रोग्राम की अपनी अगली मंजिल की जानेब हम रवाना हों। दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा और बड़े अच्छे मनाजिर हैं, बहुत ही लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये रोशनियों का शहर है, कहता है कि आपको हर जगह रोशनी, ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार रात नहीं है दिन चल रहा है। ये देखिए आपको कोई एहसास है कि ये रात है या दिन है? आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा आपको रात है या दिन है क्या है। बिल्कुल आप देखें तमाम जो लोग हैं बिल्कुल इसको एंजॉय कर रहे हैं दिन की तरह, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और अपने 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 एहसास, अपने अपने जो भी गपशप मार रहे हैं, और अपने अपने नंबर ऑफ गेम देखें। उस साइड रोड के अगर उस तरफ भी हम जाते हैं तो रोड के उस तरफ भी आपको बहुत ही रश नज़र आएगा, बहुत ही रश नज़र आएगा। यहाँ तकरीबन ये रश अभी रात की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज़ दिन को यहाँ तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है। तो दोस्तों तो ये थे मैनहट्टन के रात के मनाजिर जो मैंने आपको दिखाए, और होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और आप एंजॉय करेंगे इसको देखने के बाद। और इसके साथ ही मैं क्या दिखाऊं, देखें अभी तक म्यूज़िक चल रहा है, लोग म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। और ये देखिए आगे और रश है ज़्यादा, रेड स्टेयर्स के बाद बहुत रश है, तो मैं बहुत जाना नहीं चाह रहा। बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, देखिए लाल लाल चिड़िया, आपको लाल रंग की सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये रेड स्टेयर यहाँ पर अभी तक रश मौजूद है। रश जो है ये छठे वाले पर ही आते हैं आज, वैसे भी सैटरडे नाइट है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैनहट्टन
टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन टाइम स्क्वायर से न्यूयॉर्क, रात के खूबसूरत मनाजिर से आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले व्लॉग में, देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़। अपने कमेंट से और अपने जो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप लोग ये ना समझेंगे यहाँ मौजूद नहीं है मुझे, आप ज़रूर अपने अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। देखिएगा लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी वीडियो को बना रहे हैं और अपने जो है हमारे पीछे देखें, हमारे ये जोश भाई भी खड़े हुए हैं, वे भी इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है लोग इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह अपने अपने व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाफिज़।